Okay, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसको हम सब्ट्रैक्शन रूल भी बोलते हैं। इसके पहले डेफिनेशन देख लें। इफ अ टास्क कैन बी डन इन आइदर एन वेज और एन टू वेज, देन द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क इज एन वन प्लस एन टू माइनस द नंबर ऑफ द वेज टू डू द टास्क दैट आर कॉमन टू द टू डिफरेंट वेज। ओके, हम लोगों के यहाँ ओवर काउंटिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से हम ओवर काउंटिंग के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम सेट्स की सूरत में इस बात को देखें तो हम उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, आपके पास सेट ए है जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, और एलिमेंट बी है उसके कुछ सेट है 4, 5, 7। तो आप इनकी कार्डिनलिटी देखें। कार्डिनलिटी मीन्स साइज, और साइज क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ए की कार्डिनलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी कार्डिनलिटी है 3। तो आप इन दोनों को प्लस करें 5 + 3, तो आ रहा है टोटल 8 एलिमेंट्स। लेकिन जब हम इनका यूनियन निकालेंगे इन एलिमेंट्स का, ये बी की कार्डिनलिटी है। ओके, तो ए प्लस बी की कार्डिनलिटी आपके पास ये आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इनका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, और ये कार्डिनलिटी बनती है 7। ये कार्डिनलिटी बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए यूनियन बी आपके पास 6 बनता है। तो आप वैसे कार्डिनलिटीज़ को काउंट करें तो 8, यानी आपने कुछ इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं जिन्हें ओवर काउंट कर दिया, यानी 4, 5 इधर भी आ रहा है, 4, 5 इधर भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन को माइनस करके ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो सेट्स हैं A1 और A2, हमने जैसे ए बी करती है, इसे ए वन कह दें, टू कह दें, तो इन दोनों की कार्डिनलिटी 8, यानी हमने निकाला 5 + 3 माइनस इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या, 2 एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 2, तो यूनियन हमारे पास आ जाएगा 6। ओके, और अगर इसी तरह हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो इन तीनों सेट्स का यूनियन क्या बनेगा, हम सबकी सेपरेटली कार्डिनलिटी निकालेंगे, उन सबको ऐड अप करेंगे और फिर माइनस करेंगे दो दो की इंटरसेक्शन, दो दो सेट की, और ऐड अप कर देंगे उन तीनों के इंटरसेक्शन। ऐड अप क्यों किया, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ इंटरसेक्शन में हर एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ अंडर काउंटिंग हो जाएगी। तो जब आपके पास 3 एलिमेंट्स है, तो ये बात ध्यान रखें कि हर एलिमेंट की सेपरेट कार्डिनलिटी ऐड अप करके माइनस करेंगे यहाँ इंटरसेक्शन को, दो दो सेट्स की, और तीनों इंटरसेक्शन को आप ऐड अप कर देंगे, यू विल गेट द यूनियन ऑफ ऑल द 3 सेट्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे इजी एग्जांपल हमने स्टार्ट किया, इन अ सर्वे ऑफ ग्रुप ऑफ 90 पीपल इट इज़ फाउंड दैट 70 लाइक वेजिटेबल्स एंड 40 लाइक मीट। ओके, हम कर लेते हैं इसका, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एन ऑफ वेजिटेबल्स कर लें, या हम सेट को नाम दे देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ वेजिटेबल, वो है हमारे पास 70। 40 लाइक मीट, या आप कहते हैं नंबर ऑफ पीपल लाइक मीट, या आप इसको कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम कहते हैं, आपके पास आ रही है 40। ओके, इन अ सर्वे ऑफ ग्रुप ऑफ 90 पीपल, यानी आपके पास ये दिया गया है एन ऑफ वी यूनियन एम, या आप कह सकते हैं वी यूनियन आपके पास है 90। ओके, उसने कहा फाइंड द परसेंट ऑफ पीपल लाइक वेजिटेबल एंड मीट, यहाँ आपके पास आना चाहिए लाइक बोथ, ताकि और क्लियर हो जाए, विच लाइक बोथ वेजिटेबल एंड मीट, यानी आप टोटल करें तो 70 + 40 कितना बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 110, जबकि सर्वे आपने 90 लोगों का किया, 90 लोगों में से 110 की आपके पास रिपोर्ट है, इसका मतलब कुछ ओवर काउंटिंग हुई है, यानी आपने फाइंड करना है वी इंटरसेक्शन एम को फाइंड करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, अभी हमने प्रीवियस फार्मूला देखा कि अब आपके पास ये चीज़ गिवन है, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं स्टेप वाइज लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये फाइंड करनी है 5, आप लिख के फार्मूला वी यूनियन एम आपको दिया गया इज इक्वल टू वी की कार्डिनलिटी प्लस एम की कार्डिनलिटी माइनस वी इंटरसेक्शन एम, ये आपने फाइंड करनी है। वी यूनियन एम आप यहाँ देखें, हम देख सकते हैं इसको, हम यहाँ देख सकते हैं यूनियन एम आपके पास है 90, दैट इज गिवन,
कार्डिनलिटीज़ किया 70 प्लस 40 माइनस ही आपने फाइंड करना है। सो 20 आपके पास बी इंटरसेक्शन की वैल्यू निकली है 20, सो दिस इज 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, यानी यहाँ आपके पास इंटरसेक्शन हुआ जो वेजिटेबल्स भी लाइक कर रहे हैं और मीट भी लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ आप स्टेटमेंट में बोल देख लीजिए। ओके बट एग्जांपल देखते हैं इसमें हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आई विल स्टार्ट विद अ 1 बिट और एंड विद द 2 बिट्स। ओके हमने यहाँ फाइंड करना है, हमारे पास हमने स्टार्ट विद 1 बिट और 2 बिट, हमने इसको हम नाम दे देते हैं ओ का, ये है सेट ओ, सॉरी सेट 1 यानी 1 कटना है इसको, ये सेट 1 कर लेते हैं, इसका नाम है सेट 1 और इसका नाम है सेट 0, आप ये भी जो भी नाम देना है। तो हमने क्या फाइंड करना है 1 और 0 का यूनियन, हमने यूनियन फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा कि दो सेट्स का यूनियन आपने फाइंड करना है तो दोनों की सेपरेट कार्डिनलिटी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं दोनों इसकी कार्डिनलिटी, इसको 1 की कार्डिनलिटी प्लस 0 की कार्डिनलिटी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। तो आपके पास 1 की कार्डिनलिटी क्या, अगर 1 से स्टार्ट हो रही है, आइदर स्टार्ट विद 1, तो हमने कहा कि अगर 1 से ही स्टार्ट हो रही है तो हमने उसकी बिट स्ट्रिंग्स ले ली 2 की पावर 7, क्योंकि एक आपके पास फिक्स होगी, बाकी आपके पास 8 में से आपके पास 7 लेंथ रहेगी। और एंड विद 0 0, हमने एंड 0 0 से कर दी और बाकी 8 में से 2 फिक्स होगी, 6 रहेगी 2 की पावर 6, दोनों की सेपरेट कार्डिनलिटी निकाली तो टोटल बिट स्ट्रिंग्स आपके पास इतनी आ गई, ये जो आपने फाइंड की है। अब माइनस आपने करनी है दोनों की इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, यानी ओवर काउंटिंग आप कर रहे हैं कि जो इसमें भी आपने वो काउंट किया है जिसमें वो बिट्स भी आ रही हैं 2 की पावर 7 में जो 0 0 पर एंड हो रही हैं, और इधर 0 0 में वो भी आ रही हैं जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो यू आर डूइंग ओवर काउंटिंग, आपने इंटरसेक्शन फाइंड की, ये चीज़ आपने फाइंड की हुई है इंटरसेक्शन, ये चीज़ फाइंड की है, ये चीज़ आपने फाइंड की 2 की पावर 5 32, और आपने यहाँ से माइनस कर दिया, तो आपके पास 1 यूनियन 0 की वैल्यू आ गई। ओके अगली देखते हैं, 1 यूनियन 0 यानी मैंने सेट का नाम दे दिया, ये 1 बिट आइदर स्टार्ट विद 1 बिट और एंड विद 2 बिट्स। उसने ये नहीं कहा कि स्टार्ट विद बोथ, ठीक है, हमने खाली एक का नहीं पूछा, उसने कहा आइदर स्टार्ट विद 1 बिट और 2 बिट्स। तो आपने ओवर काउंटिंग खत्म कर दी कि इसमें भी आपने वो काउंट कर दी हैं जो 0 0 से स्टार्ट हो रही हैं, इस 0 0 0 पर एंड हो रही हैं, 0 0 पर जो एंड हो रही हैं आपने इसमें वो भी काउंट की हैं जो 1 1 से स्टार्ट हो रही हैं। ओके एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने कहा एक 8 ही है, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8, अगेन 8 ही हैं, बिगेन विद 0 0 और एंड विद 1 0 0। ओके 8 की है तो आप पहले वो काउंट करें जो कि 0 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी आपने यहाँ भी, हम अब इसको ए बी का नाम दे देते हैं, आसान हो गया था सर, ए बी, आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप ए की कार्डिनलिटी निकालें, ए की कार्डिनलिटी बनती है आपके पास बिगेन विद 0 0 यानी 0 0 से स्टार्ट है, बाकी रहेगी 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर बी में आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो एंड विद 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 0 1, 3 फिक्स होगी, बाकी 8 में से रहेगी 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, आपके पास आंसर कुछ आ जाएगा। फिर वो जो आप ओवर काउंटिंग करें, इसमें आप वो भी काउंट करें जो 1 0 1 पे भी कहीं जाके एंड हो रही हैं, और इसमें आप वो काउंट करें जो 0 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ओवर काउंटिंग हो रही है। आप इंटरसेक्शन निकालें, यानी 0 0 फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ ज़्यादा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ आपने ये किया 1 0 1, अब यहाँ कितनी फिक्स हो गई, 1 2 3 4 5, पीछे रह गई 3, 8 में से 3 रह गई, तो 3 पे आपको डिसीजन लेना है, ये आ गई। तो ये आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया, आपने ये फाइंड करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं ए यूनियन बी निकालने के लिए, आप कर सकते हैं 2 की पावर 6 ये वाला प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी आपने किया ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए बी की इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्वे ऑफ द यूजेज ऑफ 3 टूथपेस्ट ए बी सी इट इज़ फाउंड दैट 60 पीपल लाइक ए, 50 लाइक बी, 40 लाइक सी, 20 लाइक ए एंड बी, 35 लाइक बी एंड सी,
15 लाइक ENC एंड 10 लाइक ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ द इंक्लूडेड इन सर्वे। ओके, हमने अभी पहली एग्जांपल देखी थी तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए गए थे और हमने फाइंड करनी थी इंटरसेक्शन। उन्होंने पूछा था जो दोनों लाइक करते हैं, ठीक है। तो हमने अब यहाँ इस एग्जांपल में हमारे पास क्या डिफरेंस है, एक तो 3 सेट्स हैं और दूसरा हम लोगों ने फाइंड करना फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल इंक्लूडेड इन सर्वे, यानी हमने अब यूनियन फाइंड करना है, यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी। तो इसके लिए आप फॉर्मूला देखें हमारे, हमने फाइंड करना है ये चीज़। हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी क्या है, ए की कार्ड फाउंड दैट 60 पीपल लाइक ए, ओके ये है 60, 55 लाइक बी ये हो गया 55, 40 लाइक सी, ए इंटर 20 लाइक ए एंड बी, यानी इंटरसेक्शन आ गई। ए एंड सी को कितने लाइक करते हैं, 35 लाइक, ओके 15 लाइक ए एंड सी, 15 माइनस बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास बनता है 35 लाइक बी एंड सी, प्लस 10 लाइक ऑल, तो हमारे पास आ जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल इंक्लूडेड इन सर्वे। तो अगर आपके पास 3 सेट्स हैं यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ मिसिंग है। यहाँ उन्होंने क्या 10 लाइक ऑल, अगर वो हमें कहते हैं कि दिस नंबर ऑफ द पीपल आर इंक्लूडेड इन सर्वे एंड फाइंड द पीपल हु लाइक ऑल, तो हमने ये इंटरसेक्शन फाइंड करनी होती। ओके, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे पास कंप्यूटर है जो रिसीव 350 एप्लीकेशंस, ठीक है। दिस इज़ नॉट यूनियन, यूनियन तब होता अगर वो ये यहाँ कोई बात ऐसी कुछ और हमसे पूछ दिया गया। इसका मतलब इतनी एप्लीकेशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में वो भी लोग मौजूद है जिन्होंने एप्लीकेशंस नहीं किया हुआ कंप्यूटर साइंस में। तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, तो हम यूनियन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने, हम इसको लिख देते हैं, जिन्होंने मेजर इन कंप्यूटर साइंस प्लस बिजनेस, और दोनों में प्लस आ जाएगा हमारे पास मेजर इन कंप्यूटर साइंस प्लस बिजनेस, तो वो हमारे पास आ जाएगा ये यूनियन हम फाइंड करेंगे और ये हमारे पास गिवन है, हम इसमें से माइनस कर देंगे। हमने क्योंकि फाइंड करना है एप्लीकेशन में वो लोग फाइंड करें जिन्होंने, जिनका ताल्लुक ना सीएस से या ना बिजनेस से है। तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ये 1 की दी गई है 220, बिजनेस की दी गई है 147 और यूनियन की दी गई है 51। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे वो लोग जिनका किसी ना किसी तरह इससे ताल्लुक है, तो ये बन जाता है 316 आ गए। हमने वो फाइंड करना है जिन्होंने मेजर नहीं किया हुआ। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप इस फॉर्मूला को लगाएं, यूज़ करते हुए इधर नीचे यूज़ करें तो आपके पास आता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन है 350, जिन्होंने मेजर नहीं किया नॉट मेजर, हम पहले इतना लिख देते हैं, प्लस 316, तो नॉट मेजर वाले आ जाएंगे हमारे पास नॉट मेजर इन बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस एक्चुअली 350 माइनस 316। इन एप्लीकेशन में 34 ऐसे हैं जिनका सी एस ओ बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। क्या बदले एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाई 7 आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 11 आर डिविजिबल बाई बोथ 7 एंड 11। ओके, हमने लेस देन 1000 देखना है कितने इंटीजर्स हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं या 11 पे, या कुछ और कंडीशन हैं कि दोनों पे होते हैं या दोनों पे नहीं होते, तो हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं कि जो डिविजिबल बाई 7 है ना, उस सेट को हम नाम दे देते हैं A1 का, ये 7 के साथ डिविजिबल है, और जो A2 सेट है वो हमारे पास 11 पे डिविजिबल है। ओके, आर डिविजिबल बाई 7 द मोस्ट ईजी वन, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1000 तक कितने इंटीजर्स हैं लेस देन 1000 जो 7 पे है, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आएगा और हम इसका ले लेंगे फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन का मतलब होता है कि आपने, अगर आपके पास कोई इंटीजर आया 4 से, अभी इसकी वैल्यू हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगी हमारे पास 142.8 कुछ 142.8, लेकिन क्योंकि हमने इसका फ्लोर फंक्शन लेना है तो इसका मतलब हम लेस देन, हम इससे जो कम एक इंटीजर है वो ले लेंगे, और अगर सीलिंग होता तो हम वो 143 ले लेते, क्योंकि लेस देन हमने फाइंड करना है तो हम 148 ले लेंगे।
142 ले लेंगे। सो 142 इंटीजर्स हैं हमारे पास, यानी A1 की कार्डिनलिटी हमारे पास 142 है। इतने इंटीजर्स हैं 1 से लेके 1000 से लेस देन जितने 7 पे डिवाइड होते हैं। ओके, आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 11। ओके, इसे बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं आर डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। ओके, ये हम कैसे कर सकते हैं, बोथ 7 एंड 11 पे जो डिवाइड हो रहे होंगे इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगेन हम प्योर फंक्शन लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स। 12 इंटीजर्स हैं जो दोनों पे डिवाइड होते हैं, यानी हमने ये फाइंड की है A1 और A2 की इंटरसेक्शन के 12 इंटीजर्स ऐसे हैं कि कार्डिनलिटी इन दोनों सेट्स के हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया है कि कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो दोनों पे डिवाइड होते हैं। ओके, आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 11। ओके, इसका मतलब ये है कि कई इंटीजर्स ऐसे हैं, अब उसने कहा जो 7 पे हो रहे हैं मगर 11 पे नहीं हो रहे, तो क्या ये ए वाले से है, क्या ये जो आपका बी पार्ट है ये ए है? नो, ये ए नहीं है। इसमें आपने ये जो 142 है इसमें वो भी ये 12 भी काउंट किए हैं जो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपने यहाँ माइनस करना है। इस बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने आप करेंगे हो गया, यानी आप 7 के करेंगे माइनस इंटरसेक्शन करते हैं, यानी A1 कार्डिनलिटी माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 निकाल दें, तो ये आपके पास वो इंटीजर्स आ जाएंगे जो सिर्फ 7 पे हैं, और इसमें से वो निकाल देंगे आप जो 11 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये आपके पास 14 या आप इस तरह कर लें 1000 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका। ओके, अब डी देखते हैं, आर डिविजिबल बाय आइदर 7 और 11। ओके, इसका मतलब है आप यहाँ फाइंड कर रहे हैं यूनियन, ए यूनियन बी को फाइंड कर रहे हैं कि जो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं या 11 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ ये फाइंड करना है। इसको हम कर देते हैं डी पार्ट, डी पार्ट आपने A1 यूनियन A2 फाइंड करना है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं A1 के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी ये फ्लोर फंक्शन है, माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11, तो आपको दे देगा यहाँ तो वो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं 11 पे डिवाइड हो रहे हैं। ओके, ई में आपने फाइंड करना है आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 या 11, यानी A1 या A2 एक्जैक्टली इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, ना आप इंटरसेक्शन फाइंड करें ना आप यूनियन फाइंड करें, तो आप यहाँ कर देंगे A1 यूनियन A2 माइनस जो इनकी इंटरसेक्शन है, यानी आपके पास एक्जैक्टली वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि आपके पास या तो डिविजिबल बाय 7 होंगे या 11 होंगे, तो यहाँ जो आंसर आपका आएगा आप उसी तरह फ्लोर फंक्शन लगा के तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, एफ क्या आर डिविजिबल बाई नीदर 7 नॉर 11। ओके, यहाँ सिंपल आप क्या करेंगे, आपके पास जितने टोटल नंबर्स हैं यानी 1000 तक के, आप इसको ये आप एफ करें, आप क्या करेंगे 1000 माइनस जो आपने A1 यूनियन A2 फाइंड किया आपके पास वो आ जाएंगे जो कि नाइदर आर डिविजिबल बाई 7 नॉर 11। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए, नंबर ऑफ द पासवर्ड्स पॉसिबल, इसमें क्या है, ईच यूजर ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ पासवर्ड विच इज 6 to 8 करेक्टर्स लॉन्ग, विद ईच करेक्टर इज एन अपर केस लेटर और अ डिजिट, ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, हाउ मेनी पॉसिबल पासवर्ड्स। ओके, हमने 6 लेंथ 1 2 3 4 5 6, हमने एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें कम अज़ कम 1 डिजिट हमारे पास लाजमी होना चाहिए, कम अज़ कम 1 डिजिट, उसके अलावा हमारे पास डिजिट्स हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, यानी कम्बिनेशन है हमारे यहाँ तो अपर केस लेटर यानी A to Z जो कि हमारे पास टोटल बनते हैं 26 लेटर्स इंग्लिश के, या डिजिट जो कि हम लेते हैं 0 से 9 तक, यानी टोटल हमारे पास है 10 डिजिट्स 0 से 9 तक, तो हमारे पास यहाँ पॉसिबल अगर हम दोनों का कम्बिनेशन करें तो पॉसिबल हमारे पास है 26 प्लस 10 36, यानी यहाँ पॉसिबिलिटी 36 की, यहाँ पॉसिबिलिटी हर जगह हमारे पास 36 की पॉसिबिलिटी है, हम नंबर रखते हैं या हम डिजिट रखते हैं या दोनों रखते हैं, लेकिन अब आगे ये विदाउट एनी कंस्ट्रेंट है, यानी कुछ भी आ सकता है,
इसमें यानी ये पॉसिबिलिटी भी शामिल है कि हो सकता है यहाँ सारा कोई सारे अल्फ़ाबेट कोई आ रहे हों, इस 36 की पॉसिबिलिटी, 4 से कोई आप ऐसा पासवर्ड रख देते हैं, तो इसमें क्या आपके पास कोई डिजिट नहीं है, इस वाले में आपके पास नो डिजिट, बट यू नीड एट लीस्ट 1 डिजिट। तो आपने क्या किया, आपने वो पासवर्ड्स फाइंड किए जिसमें आपके पास सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी ये ऑप्शन करने के लिए आपके पास बच जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 की लेंथ में आप कहते हो कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स ही हैं, यानी हर जगह आपके पास 26 की ऑप्शन है, तो आप इसको कर लोगे 26 की पावर 6। आपने वो फाइंड किए कि ये वाले डिजिट्स हमें नहीं चाहिए, आपने जो नाम एक इलीगल पासवर्ड दे दिया, कम अज़ कम एक डिजिट होना चाहिए, तो ये ऐसे ही आपने ऑप्शन फाइंड किए जिसमें कोई डिजिट नहीं, आपने उसे टोटल पासवर्ड में से ये पासवर्ड्स माइनस कर दिए, तो आपके पास 4 डिजिट्स आ जाएंगे जो टोटल लीगल पासवर्ड्स होंगे। यानी आपने ये स्ट्रिंग ही निकाल दी जिसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सो यू विल फाइंड द टोटल लीगल पासवर्ड। ओके, अगले देखते हैं, ईच यूज़र ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ पासवर्ड विच इज 6 to 8 करेक्टर्स लॉन्ग। ओके, यहाँ भी हमारे ख्याल में 6 to 8 था। ये सब ऑप्शन हम फाइंड करके हम क्या करेंगे, इन सबको एड अप कर देंगे, फाइंड ये करना है कि विच इज 6 to 8 करेक्टर। तो आप ये वो वाले पासवर्ड, आपने ये वो लेंथ निकाली है जो कि पासवर्ड पॉसिबल है, पासवर्ड पॉसिबल फॉर 6, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल पासवर्ड आपके निकलेंगे P6, यानी जो 6 की लेंथ है उन्होंने क्या, विच इज 6 to 8। सेपरेटली आप सबका निकालेंगे, 7 का भी निकालेंगे और 8 का भी निकालेंगे, पासवर्ड पॉसिबल विद 6 लेंथ, विद 7 लेंथ एंड विद 8 लेंथ, तो इन सब के लिए आ जाएगा, सबके लिए शर्त यही वाली है। तो इधर आपने निकाला जैसे 26 की पावर 6, यहाँ आप निकालेंगे 36 की पावर 7 माइनस 26 की पावर 7 प्लस 36 की पावर 8 माइनस 26 की पावर 8, तो आपके पास टोटल पासवर्ड्स आ जाएंगे जो उसने पूछे हैं कि अगर 6 से 8 की लेंथ आप रखना चाहें और ये वाली आपके पास कंडीशंस हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में भी आप ये करेंगे, आपने सिर्फ 6 वाले की निकाल के बाकी सबकी 7 की भी वैसे निकालेंगे और आप 8 की निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने क्या कि आपके पासवर्ड के पास अपर केस लेटर है, लोअर केस लेटर है और डिजिट, तो अपर केस लेटर आपके कैपिटल लेटर A to Z आपके पास हैं 26, लोअर केस लेटर A to Z स्मॉल लेटर्स यानी वो भी 26 हैं और 0 to 9 आपके पास हैं 10 डिजिट्स। तो पहले हम उसी तरह पॉसिबल निकाल लेंगे, 26 + 26 + 10 ये आपके पास आ जाएगा 62 की पावर 6, क्योंकि आपने 6 की लेंथ के लिए भी देख रहे हैं आप, तो आपके पास आ जाएगा आप ऑल पॉसिबल पासवर्ड जिसमें आपने ये वाले पासवर्ड पे लगा दिए हैं। अब वो उसके पास कंडीशन है कि कम अज़ कम एक डिजिट, एक अपर केस और एक लोअर केस हो, तो आपने वो पासवर्ड जब लगाने हैं इलीगल पासवर्ड जिसमें ये ये वाली कंडीशन कंप्लीट ना हो रही हो, तो वो कौन से बनते हैं कि यहाँ तो आपके पास खाली अपर केस लेटर हो या खाली लोअर केस लेटर, तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन नहीं डिजिट वाली, फिर आप एड अप करेंगे अपर केस लेटर हो या खाली डिजिट, फिर आप करेंगे लोअर केस लेटर होंगे या खाली डिजिट, माइनस ओनली अपर केस लेटर्स यानी आपके पास सिर्फ अपर केस लेटर्स हैं, माइनस लोअर केस लेटर्स हैं या माइनस ऑल डिजिट्स, तो आपने सबकी इंटरसेक्शन लेके आपने माइनस उनकी कार्डिनलिटी के साथ कर दिया, आपको मिल जाएंगे इलीगल पासवर्ड्स और आप उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी।